लैट्रॉन का क्वेस्ट इस बार ट्राई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि अपने सारे इक्विपमेंट्स चेंज कर लूँगा। अलेट्रॉन की फ़ाइट के मैकेनिक्स थोड़े से अलग रहते हैं यूजुअली बाकी के फाइट्स के मैकेनिक्स से, क्योंकि अलेट्रॉन को बिना एलिमेंटल वेपन के मार नहीं सकते, जिसके बारे में डिटेल्स में थोड़ी देर में बताऊँगा। आइटम बॉक्स फुल कर लेता हूँ और निकल लेता हूँ अलेट्रॉन के क्वेस्ट पर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है उसका सिंगल एलिमेंट नहीं होता बट मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, और वो हर एलिमेंट के बीच में स्विच कर सकता है। जैसे ही अरीना एंटर करते हैं उसमें या तो फायर या तो आइस एलिमेंट रहेगा, और यूजुअली तो अभी देख सकते हो अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब आइस एलिमेंट एक्टिवेटेड है और मेरे पास आइस वाला वेपन है, तो मैं इसको अभी चेंज कर दूंगा। ओके, फायर एलेट्रॉन, मैंने ऑलरेडी लोड आउट्स बना रखे हैं इसके, तो इसी तरीके से मैं यूजली एलेट्रॉन से लड़ता हूँ। तो इसमें क्या है ना कि अगर वो आइस एक्टिवेटेड है और मैं फायर वाला वेपन लूँ तो मैं उसके एलिमेंट्स को ऑफ कर सकता हूँ, और इस फाइट में एलिमेंट्स को ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। रोर को डॉज रोर साइड, नाइस। और जरूरी है कि एलेट्रॉन को लगातार अटैक ही करते रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, अरे भाई अगर ऐसा नहीं किया तो उसको इनफ एलिमेंटल डैमेज नहीं जाएगा, और उसका जो फिनिशिंग अटैक मूव है बहुत ही अजीब सा, इसका फिनिशिंग अटैक मूव है क्योंकि वो सिंगल शॉट में पूरा ही खत्म कर देता है अगर मैंने इसके सारे एलिमेंट्स को ऑफ नहीं करे तो। फोरसाइट, हेलमब्रेकर की तैयारी, बुरा नहीं था। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो अजीब तरीके से गिरा, तो ये था एलिमेंटल टॉपल, अगर मैं इसको सही, अरे यार मिस हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं एलिमेंटल टॉपल दूँ तो उसका जो फिनिशिंग मूव है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, और उसी के बीच में मुझे हीलिंग का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इसके फिनिशिंग मूव में हील करना खुद को ज़रूरी होता है। फिनिशिंग मूव के बारे में थोड़ी और डिटेल में भी बात करूंगा। अलेट्रॉन इकलौता मॉन्स्टर है जिसने पूरी मॉन्स्टर हंटर कम्युनिटी को ऑलमोस्ट डिवाइड कर दिया था। वो इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि आर्टिफिशियल डिफिकल्टी बहुत थी इसमें, तो बेसिकली लोग क्या करते थे, अपने खुद के वेपन्स वगैरह के लोड आउट बना कर रखते थे, और वो डिपेंडेंट रहता था वो किस तरीके से वेपन से खेलना पसंद करते थे। और जब इलेक्ट्रॉन आया तब सबको एलिमेंटल वेपन से ही खेलना पड़ा, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, बट जो रूल है वो रूल है। मुझे तो काफ़ी मज़ेदार फाइट लग गई है। किल और स्ट्रैटेजी दोनों चाहिए इसमें। अरे नहीं गया मैं। स्किल की बात करते ही स्किल दिख गई मेरी यहाँ। ओके, बढ़िया मौका है। और ये देखो मैंने यहाँ पर इसका हॉर्न तोड़ दिया, तो इसका हॉर्न जो है वो सिर्फ ड्रैगन एक्टिव एलिमेंट मोड पे ही टूट पाता है। तो पहले आइस था, अभी उसका एक्टिव एलिमेंट है ड्रैगन।
सही मौका है टेंडराइज करने का। पोजीशनिंग सही नहीं थी। पोजीशनिंग सही नहीं थी, लगता मरने वाला हूँ मैं। बच गया। नाइस। लगी नहीं वो, पता नहीं कैसे। बहुत ही बुरी तरीके से मरा मैं, वो जो नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये सेकेंड एलिमेंटल टॉपल मेरे को मिल चुका है यहाँ पर पे। सेकेंड एलिमेंटल टॉपल मतलब बहुत सारे उसकी जो एलिमेंटल एनर्जी है वो मैं शटडाउन कर चुका हूँ। लगता सही टाइम पे मैंने फोरसाइट नहीं किया था। लास्ट बार इसी मूव ने मारा था, बट वो आइस की जगह फायर मूव था। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत सही। सर्कुलर मूव इसका डॉज करने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। इसका बेस्ट पार्ट यह है कि बाहर एक बार डॉज करके फिर से अंदर डॉज करना चाहिए, लेकिन अगर एक बार सही से नहीं हो पाएगी तो बेटर है कि पूरा ही बाहर डॉज करो। ओके, ये था उसका फिनिशिंग मूव जिसके बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखना, अभी धीरे धीरे मेरी हेल्थ कम हो रही है, और जैसे मैं इसी टाइम पे एक एस्तरा जर्की खा लूं मेरी हेल्थ फिर से बढ़ जाती है। और आर्टिफिशियल डिफिकल्टी की एक और बात मैं कहूंगा यहाँ पे, अगर मैंने इसके हॉर्न्स तोड़े नहीं होते तो ये भी एलिमेंट बदल लेता, यानी कि आइस पे था। नहीं यार, मतलब आइस एलिमेंट से फायर एलिमेंट कर लेता, और मेरे पास क्योंकि फायर वाली तलवार थी तो इसको फिर असर नहीं होता उस एलिमेंट का। अरे यार, नहीं लगी फिर से। सही टाइम पे था। टेंडराइज हो चुका है उसका सर। नाइस।
ओके टाइमिंग सही थी, मूव गलत था। तो पहला एलिमेंटल टॉपर, सेकंड मतलब क्या कहते हैं, सेकंड फेज का पहला एलिमेंटल टॉपर मिल गया मेरे को। ओके, इस टाइम पे इसके सीन को तोड़ना है। गलत टाइम, हटना मत। बढ़िया, दोनों के दोनों सीन टूट चुके हैं। दोनों सीन टूटने का एक और मतलब है कि अगर मैंने इसको इसका या फिर इसके पिछले वाले मतलब इसके या फिर इसके अगले वाले फेज में मैंने इसको ख़त्म नहीं किया तो मैं इसको एलिमेंटल टॉपर फिर से नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि दोनों सिंग मैंने तोड़ दिए हैं तो अगले फेज में गारंटीड है कि ये अपना एलिमेंट चेंज कर लेगा, जो कि मेरे वेपन के एलिमेंट जितना ही मतलब फायर एलिमेंट में वापस से आ जाएगा। सही टाइम पे स्वॉट ड्रॉ किया था मैंने। अरे यार, लगी नहीं उसको शॉट, पता नहीं क्यों। हेल्थ धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये उसने गोला मारा पहला फुटा, पहले फुटने के बाद ही मैं गोले के अंदर गया उसके मुंह के पास। नाइस। अरे यार, होना नहीं चाहिए था, मैं एकदम सेंटर पे खड़ा था। बढ़िया, सेकेंड एलिमेंटल टॉपर अभी तक नहीं आया मुझे। शायद नहीं आएगा इस बार। खैर कोई दिक्कत नहीं, उसके पास पे ही जाऊंगा मैं। तो इस बार पहले एलिमेंटल टॉपल आया था और उसमें देखो मेरी जो हेल्थ बार है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ कम हो रही है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा इसको एलिमेंटल टॉपल दोगे उतना धीरे वो तुम्हारा हेल्थ बार कम करेगा, और अगर ज़ीरो दिया तो एक बार में कम। वेपन की शार्पनेस भी कम हो चुकी है। टाइम है,
लगा था इनफ हाइट मिल जाएगी मेरे को वहां पे। इसके बाद सिर्फ एक ही मौका मिलेगा इसको, मतलब क्या कहते हैं, एलिमेंटल टॉपल देने का। गलत टाइमिंग, गया मैं, शायद गया मैं, बच गया मैं। अगर मेरे पास एंड लेवल आर्मर नहीं होता तो वो पक्का वन शॉट था मेरे को। देख ही सकते हो उसके मिनी मैप वाले आइकन में स्केलेटन का निशान आ चुका है। नाइस। अरे यार कैसे, नीचे उतर रहा ड्रोन। अच्छा बढ़िया, जल्दी से हील कर लूंगा मौका रहते ही। ना 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 ना, ये अटैक बड़ा खतरनाक होता है। पहले तो ब्लाइट दे देता है और हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम करता है। ओके, सेकेंड एग्रो आ चुका है क्या इसका, शायद। बढ़िया, अच्छा सेव था वो। अरे क्यों नहीं, बढ़िया सेकंड टॉपल मिल गया मेरे को। हेडशॉट, नाइस, और एलेट्रॉन खत्म। तो यही था गेम का मैकेनिक्स। एक गेम ओवर हुआ मेरा, वो मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से। कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था मैं। बट एलेट्रॉन का जो फिनिशिंग मूव था उसने वो दो बार किया। उस फिनिशिंग मूव का नाम होता है एस्कटॉन जजमेंट। और उससे बचने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बचा, पहली बात तो मेरी हेल्थ पूरी फुल होनी चाहिए, राइट। और हेल्थ फुल होने के बाद मुझे या तो एस्टेरा जर्की खाना है, या फिर हेल्थ कम होते होते मैं अगर मैक्स पोशन भी एक चबा जाऊं तो वो भी यूजुअली ठीक ही रहता है। और अगर मैं उसका एलिमेंट ऑफ नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि वो सिंगल हिट में, मतलब जैसे ही वो एस्केटॉन जजमेंट डालता है, साइमल्टेनियसली मेरी हेल्थ ख़त्म हो जाएगी। तो ये होता है एलेट्रॉन के फाइट का मैकेनिक। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग एलेट्रॉन से, जब एलेट्रॉन डीएलसी में गिरा था तब इस फाइट से खुश नहीं थे, क्योंकि लोग यूजुअली अपने खुद के वेपन्स यूज़ करना चाहते हैं।
लेकिन एलेट्रियन मजबूर कर देता है कि एलिमेंटल वेपन यूज़ करें। तो यार आज की फाइट के लिए यही, और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें मिलूंगा किसी और मॉन्स्टर फाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।